हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 सितंबर 2018 की फिल्म सर्वेक्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम को लेके, तो हम इसे देख लेते हैं। थोड़ा इसको बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे तभी ये स्कीम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कैपेसिटी डेवलपमेंट जो स्कीम है वो बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेसिक स्कीम है वो लाई गई थी। मिनिस्ट्री कौन से वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो मिनिस्ट्री आप नोट डाउन कर सकते हो। मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा बेसिकली स्कीम है वो लॉन्च हो की गई थी। अब भी कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार आया है कि गवर्नमेंट ने इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया, उसको लेकिन हो जाइए, तो कंटेक्स्ट कुछ इतना दमदार नहीं है, बट हम आगे देखते हैं इसके फीचर्स और बैकग्राउंड। देखो, बात यह है कि हमारे देश में जब भी जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की जाए, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा है वो चाहिए, मतलब कुछ भी इंडेक्स वगैरह ऐसे कुछ तैयार करने हो हमें, तो इनके लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में एक डाटा की जरूरत होती है। बहुत बड़ी मात्रा में हमें एक आंकड़े चाहिए होते हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम एक्चुअली जीडीपी को काउंट कर पाते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काउंट कर पाते हैं, और इसी के साथ ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट है वो कर पाते हैं। तो जो भी पॉलिसी मेकर होते हैं और जो जनता के लिए जो भी उन्होंने कोई मतलब इस तरीके से कोई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कोई उनको डाटा वगैरह चाहिए, तो उन सबको तैयार करने के लिए एक ढांचागत तकनीकी या टेक्नोलॉजी है, उसके साथ काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स के ज़्यादा अच्छे से यूज हो सके, उसके लिए बेसिकली कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम को लाया गया था। मतलब ये है कि जो पॉलिसी मेकर और जो जनता है उसके लिए एक ढंग के अच्छी तरीके से डाटा है वो कलेक्ट किया जा सके। इस डाटा की हेल्प से फिर आगे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को काउंट किया जाता है। मतलब जो भी हम डाटा वगैरह अगर किसी के लिए होता तो सारा डाटा बेसिकली इस स्कीम के द्वारा लोन एक तरीके इकट्ठा है वो किया जाता है। तो स्कीम क्या करेगी, जो डाटा क्लियर करने की जो प्रोसीजर है, जो मेथड्स है, उनमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी कि डाटा है वो ज़्यादा अच्छे से ढंग से लिया जाए। क्योंकि देखो, कई बार लोग क्या आरोप लगाते हैं कि गवर्नमेंट है वो डाटा ही ढंग से क्लिक नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं डाटा क्लिक करने में कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है। तो उन खामियों को दूर करने के लिए कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम है वो लग गई है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का भी ढंग से अच्छे से यूज है वो किया जा सके, और फिर जो पॉलिसी वगैरह है वो बाद में बनाई जाए, पहले डाटा है वो अच्छे से क्लिक करके ही आगे काम है वो किया जाए। तो उसके लिए स्कीम है बेसिकली लॉन्च है वो की गई थी, तो ये हमें ध्यान है वो रखना है। अब देखो, ये स्कीम है कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम, इसके दो सब स्कीम हो रहे हैं, एक तो है वो है इकोनॉमिक सेंसस और दूसरी है वो है सपोर्ट फॉर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथनिंग के बारे में, मतलब ट्रिपल एस। दोनों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, इकोनॉमिक सेंसस का मतलब यह है कि जो भी नॉन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो गए, या फिर कोई भी आप बोल सकते हो कि और वो बॉडी वगैरह हो गई, मतलब कोई भी नॉन एग्रीकल्चर प्रतिष्ठान हो गया, उसको ये बेसिकली इकोनॉमिक सेंसस में लिस्ट आउट करने के लिए इकोनॉमिक सेंसस है वो तैयार किया जाता है। तो जितने भी नॉन एग्रीकल्चर प्रतिष्ठान है उनकी लिस्ट है वो इकोनॉमिक सेंसस के तहत तैयार है वो की जाती है। दूसरा एक क्या है, सपोर्ट फॉर स्टेटिस्टिक्स एंड स्ट्रेंथिंग को लेके हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट लेवल की जो स्टेटिस्टिक्स बॉडीज होती हैं, जो कि आंकड़े कलेक्ट करती हैं, उनको स्ट्रेंथ है वो किया जाता है। क्योंकि देखो, स्टेट के लेवल पे आपको पता है कि स्टेट की भी जो एसडीपी है वो काउंट की जाती है, उन सब चीज़ों पे भी फोकस है किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एसडीजीपी वगैरह अगर कैलकुलेट की जाती है तो एसडीजीपी के डाटा कौन लेके आएगा, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी डाटा जो क्रिएट किया जाता है उसको और अच्छे से ढंग से क्रिएट किया जाए, उसके अंदर थोड़ी क्वालिटी है वो मेंटेन की जा सके, इसके लिए बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम है वो लॉन्च है वो की गई थी। तो दोनों स्कीम के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। मेन स्कीम भी ध्यान रखनी है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम है, उसका मेन मेन मोटो यही है कि जो भी पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है पॉलिसी मेकर के द्वारा, तो उसके अंदर जो भी स्टेटिक्स मिला, जो भी आंकड़े यूज किए जाते हैं, उनको ढंग से यूज किया जा सके, ह्यूमन रिसोर्सेज का और अच्छे से यूज है वो किया जा सके, ताकि जो भी आंकड़े वगैरह हैं उनमें कमी नहीं हो, मतलब अच्छी क्वालिटी का आंकड़ा कलेक्ट है वो किया जा सके। तो ये स्कीम है वो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिसाइल ट्रैकिंग शिप को लेके, आजकल 2-3 दिन से काफी न्यूज में भी है, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। देखो, बेसिकली इंडिया के जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, जो कि पहले तो एक प्राइवेट बॉडी थी और उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था धीरे धीरे, तो ये गवर्नमेंट मतलब आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट की ब्रांच है, गवर्नमेंट की एक कंपनी है वो बन गई थी। तो इसके द्वारा अभी मिसाइल ट्रैकिंग शिप है उसका निर्माण है वो किया गया। देखो, इस शिप का भी रिसेंटली जो नाम है वो तो है VC-1184, बट ये नाम इसका कभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जब भी इसको बेड़े में शामिल किया जाएगा, मतलब इंडियन नेवी से शामिल कर लेगी अपने बेड़े में, तो इसका नाम वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि एरियंथ है, जैसे अलग अलग नाम रखे जाते हैं सिपो वगैरह के, वैसे ही इसका नाम चेंज है वो हो जाएगा।
बट ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो मिसाइल ट्रैकिंग शिप है वो ऐसा नहीं है कि विश्व में सभी कंट्रीज के पास है, मतलब मैन मैन कंट्रीज के पास भी, ये कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के पास ही है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जब भी ये मिसाइल वगैरह कहीं से लॉन्च वगैरह की जाती है तो उसको ट्रैक वगैरह कर सके कि कौन सी एरिया में मिसाइल वगैरह है, तो उन सब कामों के लिए मिसाइल को ट्रैक करने के लिए बेसिकली ये शिप का निर्माण है वो किया गया है। तो अभी तो इसका ट्रायल है वो चल रहेगा, और उसके बाद जब भी सक्सेसफुल हो जाएगा तब इसको इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल है वो किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि मिसाइल ट्रैकिंग शिप वगैरह की इंडियन ने बनाया है, किसने वगैरह बनाया, तो इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हाई क्वालिटी है, जो हाई टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है, इसके साथ ही क्वालिटी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज किया गया है, डोमेस्टिक जो आप बोलते हो कि मेक इन इंडिया के तहत जो पार्ट्स बनाए गए हैं इसके उनको यूज किया गया है, इसके साथ ही जो डेक फैसिलिटी मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह के उतरने की पूरी फैसिलिटी इसमें की गई है। तो नॉर्मल जो शिप होता है नेवी वगैरह के उन्हीं शिप की तरह, कोई ऐसा नहीं है कि दिखने में कुछ अलग है। तो बस थोड़ा ध्यान में रखना कि मिसाइल ट्रैकिंग शिप है वो सभी कंट्रीज के पास नहीं, कुछ गिनी चुनी चुनिंदा कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है UNIATF के बारे में, मतलब यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेसी टास्क फोर्स के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि हमारे देश के जो एक मतलब पर्सन है जिनका नाम है मनोज झालानी, बेसिकली है कौन इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ये है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके अंदर सेक्रेटरी है। तो इनको क्या है कि अभी यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेसी टास्क फोर्स के द्वारा एक अवार्ड है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है ये अवार्ड वो भी हम देखेंगे, कंटेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी अच्छा है। देखो बात ऐसी है क्योंकि इन्होंने जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं इनके प्रिवेंशन के लिए इंडिया में काफी अच्छा काम किया है। इसी के साथ ही इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए अपना काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाया है। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रिवेंशन और इसी के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करने है, उस पर काम करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए उन्होंने काफी अच्छा काम है वो किया है। तो इनका काफी अच्छा या बोल सकते हो कि उत्कृष्ट योगदान रहा है, इसके लिए बेसिकली यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स के द्वारा इनको अवार्ड नवाजा हो गया है। तो कंटेक्स्ट हो गया हमारा ये। अब हम चलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेसी टास्क फोर्स के बारे में। देखो बेसिकली इसको बनाया गया था 2013 के टाइम पे, कब उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इकोसो जिसे बोलते हैं, उस इकोसो की एक रिजोल्यूशन पास किया गया था वहां पे, और उसके तहत यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेसी टास्क फोर्स है सॉरी यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेसी टास्क फोर्स का निर्माण है वो किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स हैं उनके तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। देखो बेसिकली उस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है कि जो तंबाकू कंट्रोल है उसके ऊपर फोकस करने के लिए ये टास्क फोर्स का निर्माण है वो किया गया था, क्योंकि तंबाकू का काफी ज्यादा कंजप्शन बढ़ रहा था, तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं तंबाकू से काफी मिसयूज हो रहे थे, उन सबसे बचने के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था। और आज ये टास्क फोर्स है जो बाकी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह होती है उनके ऊपर भी फोकस करते हुए चलती है। तो एक तरीके से है जो इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन है इस पे फोकस करती है। इसी के साथ ही WHO की जो ग्लोबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक्शन प्लान है 2013 से 20 के बीच में, उसके लिए बेसिकली ये काम है वो करती है, उसके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देती है। तो ये कुछ इसके इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स है, इसने अभी इंडिया में अवार्ड तो दिया, किस लिए दिया है, क्यों इसका निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण बेसिकली किया गया था इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन और इसी के साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको काउंटर करने के लिए और तंबाकू कंट्रोल के लिए, किसके द्वारा किया गया था, इकोसोक के द्वारा, जो कि यूएन का ऑर्गन में काउंट है वो होता है। तो ये कुछ फैक्ट ध्यान में रखें। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूएन के जो मेन ऑर्गन है उन ऑर्गन के बारे में आपको नाम बताना है कौन कौन से ऑर्गन है और सबसे अहम हो जाते हैं वो। इसी के साथ ही आप ये बताइए कि जो WTO था, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, वो कब आया था और इससे पहले WTO की कौन सी एग्रीमेंट था, ये भी आपको बताना है कि WTO आया कब था और इससे पहले WTO की जगह क्या था, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में, मतलब PM आशा के बारे में। तो देख लेते हैं है क्या। देखो बेसिकली आपको पता है कि गवर्नमेंट है वो जो फार्मर्स हैं उनके लिए काफी सारी स्कीम वगैरह चला रही है। अन्नदाता का मतलब क्या होता है, जो अन्न को प्रोड्यूस करता है, मतलब किसान के लिए बेसिकली स्कीम है। तो ये तो हमें यहाँ पे फैक्ट वो क्लियर हो गया है। अब देखो 2018 के बजट में गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रावधान की बात की थी, काफी सारे प्रावधान किए थे, काफी सारी बातें की गई थी फार्मर्स के लिए कि हम फार्मर्स के लिए ये करने वाले हैं इस तरह के। तो एक बात उन्होंने ये कही थी कि भाई जो भी फार्मर्स हैं इनको, मतलब जो इनकी MSP है, जो फसल है इसकी लागत के अकॉर्डिंग उनको पैसा है वो कम से कम दिया जा सके।
तो जो बजट में प्रावधान किए गए थे उसके तहत जो पैसा देना है कि भाई जैसे बजट में एक आ गया कि जो भी फार्मर्स हैं उनको उनकी किसानों की जो भी लागत है उसका 1.5 गुना तो उनको एटलीस्ट कम से कम MSP वगैरह देनी है। तो इन सब बातों या इन सब प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है वो भी स्टार्ट है, वो किया गया है। इसमें बेसिकली तीन स्कीम सब स्कीम भी है, उन तीन सब स्कीम के तहत ही पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो किया जाएगा। एक स्कीम है प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम है जिसका मतलब है मूल्य समर्थन योजना। इसमें क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्चुअली जो प्रोडक्ट हो गए जैसे कि ऑयल सीड वगैरह हो गए या फिर खोपरा जैसी चीजें होगी इनको क्या करेगी डायरेक्टली खुद वो खरीद लेगी। तो ये तो हो गया प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट अपना काम है वो करेगी। एक आ गया प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम है ये है मूल्य कमी भुगतान योजना। ये काफी न्यूज में भी रही है और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो देखने को मिला था हमें मध्य प्रदेश में, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश में स्कीम आई थी भावांतर भुगतान योजना। भावांतर भुगतान योजना जो भावांतर भुगतान योजना लाई गई थी वो बेसिकली यही स्कीम थी प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। देखो इसमें होता क्या है देख लेते हैं इसको भी। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट कोई भी जैसे फसल वगैरह लगनी होती है जैसे कि मान लो कि रबी की फसल का टाइम होता है तो उससे पहले गवर्नमेंट क्या पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि भाई इस साल रबी की फसल के अंदर गेहूं के लिए है ये MSP इतनी रहेगी, इस फसल के लिए MSP इतनी रहेगी, ताकि फार्मर्स अच्छे से सोच समझ के फसल को बो सकें। तो गवर्नमेंट ने MSP डिक्लेयर कर दी मान लो गेहूं के लिए कि 2000 रुपये MSP है वो रखी गई है, ठीक है। अब उसके बाद जो ही मतलब फसल तैयार होगी और मार्केट में बिकने के लिए आई तो पता चला कि भाई जो मार्केट के अंदर जो मतलब और बॉडीज हैं वो एक्चुअली गेहूं को खरीदनी है 1500 रुपये में। और आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो मंडी होती है वो तो जगह जगह लिमिटेड जगह ही होती है तो फार्मर्स को आने जाने में काफी दिक्कत तो होती है। तो इसलिए प्रावधान किया गया कि मार्केट में अगर आपको 1500 रुपये में बिक रही है तो आप 1500 में बेच दो कोई दिक्कत नहीं, जो 500 रुपये का डिफरेंस रह गया 1500-2000 के बीच में वो बेसिकली आपको इस प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम के तहत दे दिया जाएगा, ये इसमें रखा गया था। तो ये इसका फैक्ट हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट, तो ये भी हमें ध्यान वो रखना है। इसके बाद में आती है तीसरी स्कीम है वो है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकलिट स्कीम। इसमें क्या था बेसिकली, इसमें देखो ये प्रावधान किया गया है कि जो भी APMC जैसे कि APMC का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसके द्वारा बेसिकली MSP के लिए गाइडलाइन वगैरह जारी की जाती है, वो बेसिकली क्या करेगी जो भी कुछ लिमिटेड एरिया में ये स्कीम चलेगी, ये ध्यान रखना है। जो पायलट और प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉक स्कीम है ये बेसिकली कुछ लिमिटेड जिले वगैरह होंगे हर स्टेट में वहीं पे अप्लाई होगी। इसमें होगा ये कि जो APMC है ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी सॉरी ये क्या करेगी कि जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी फसल वगैरह हुई है MSP में इंक्लूड है उनको क्या करेगी स्टॉक लिस्ट में शामिल करवाएगी, और फिर उसके बाद प्राइवेट जो बॉडीज हैं उनके द्वारा प्रोक्यूरमेंट करवाया जाएगा क्योंकि स्टॉक लिस्ट में उन्हें काफी अच्छे दाम मिलेंगे, तो एक तरीके से काम उनके द्वारा करवाया जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान वो रखनी है। तीनों ही स्कीम क्या क्या है, तीनों के फीचर्स हमने देख लिए हैं, काफी अच्छी सी स्कीम है तीनों ही और इसके बारे में UPSC पूछ सकती है, तो आप एक तरीके से इनका नोट्स भी बना सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम EBP के बारे में। देखो एथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल प्रोग्राम है ये बेसिकली 2003 में लाया गया था। जैसा देखो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब डीजल हो गया पेट्रोल मेन आप इन्हीं को ले लो, ये सारे क्या करने पड़ते हैं ये हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और उतनी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होते, तो क्या करते हैं इनको बाहर से खरीदा जाता है और फिर यूज किया जाता है बेसिकली। अब हो क्या रहा है इससे हमारे देश का जो पैसा है ना आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम पैसा वो इन्हीं में चला जाता है, मतलब गवर्नमेंट का जो घाटा है वो इसकी वजह से भी बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारा पैसा इन चीजों को खरीदने में ही चला जाता है क्योंकि हमें पेमेंट वो डॉलर की करेंसी में करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी पेट्रोल वगैरह है इनकी जो डिमांड है इसको कम करने के लिए, डिमांड कम कैसे होगी या तो हम कुछ प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेथड लिया गया कि भाई जो भी पेट्रोल और डीजल है इसके अंदर हम कुछ मात्रा में एथेनॉल मिला दें। एथेनॉल मिला देंगे तो इसका फायदा क्या होगा, एक तो इन्वायरमेंटली फ्यूल हो जाएगा मतलब फ्यूल से पॉल्यूशन कम होगा, जो खतरनाक गैसें निकलती हैं वो कम एमिट होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेंगी बिल्कुल भी, कम एमिट होंगी जिससे पॉल्यूशन से तो हमें बचा ही जाएगा। इसके साथ ही जो हमारे देश का जो प्रोडक्शन है हमारे देश के अंदर जो कंपनी एथेनॉल बनाएंगी उनमें लोगों को रोजगार मिलेगा और एथेनॉल कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, तो काफी ज्यादा बेनिफिट इससे होने वाले हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के विकल्प के लिए इसका तो यूज है वो करने की बात हो की गई थी। और बेसिकली अभी इसको लेकर काफी कुछ असंदिग्धता थी लोगों में,
कि यार इसे पेट्रोल इंजन वगैरह खराब हो जाता है। जैसे कि देखो आपको बताऊं कि कुछ लोगों का या कुछ मतलब एक जैसे कंपनीज का ये मानना था कि जो भी इथेनॉल होता है उसकी हेल्प से इंजन वगैरह गाड़ियों की वो खराब हो जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो अभी जो ऑयल इंडस्ट्री एक्सपर्ट है या फिर ऑयल इंडस्ट्री की जो कंपनीज है उन्होंने प्रूव किया है कि भाई ये इंजन को डैमेज नहीं करेगा इथेनॉल अगर हम मिक्स करेंगे तो पेट्रोल वगैरह में। तो देखो पहले तो गवर्नमेंट का टारगेट ये रखा गया था कि जो भी पेट्रोल वगैरह है इसके अंदर हम 10% एटलीस्ट एथेनॉल रखें। मतलब ये मान लो कि अगर 100 लीटर पेट्रोल है तो उसके अंदर 90 लीटर तो हमें रखना है पेट्रोल और 10 लीटर इसमें हमें एथेनॉल मिक्स करना है। तो मतलब 10% तो इसके अंदर एथेनॉल है वो होना चाहिए। ये बेसिकली बात गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन रखी थी। और अभी गवर्नमेंट ने टारगेट और अच्छे रख दिए हैं कि भाई हमें कम से कम 20% सॉरी मैक्सिमम 20% तक पहुंचना है। मतलब 80 और 20 करके हमें 100 तक एवरेज को अचीव करने की बात हो की गई है। इससे फायदा ये होगा कि एथेनॉल तो हम प्रोड्यूस कर लेंगे। अब हमारे बात में दिमाग में ये आएगी कि भाई एथेनॉल कैसे बनाया जाएगा। देखो एथेनॉल है वो बेसिकली बनाया जाता है हमारे पास जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनको यूज करके। जैसे कि शुगर केन होता है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। शुगर केन की हेल्प से एथेनॉल बनाया जाता है। तो अभी गवर्नमेंट ने उसके लिए भी गाइडलाइन वगैरह जारी है वो की है। तो वो तो गाइडलाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके साथ ही जो फसलों का वेस्ट होता है जो फसल रेसिड्यूज वगैरह होते हैं और जो खाने पीने का जो वेस्टेज होते हैं उनसे द्वारा बेसिकली एथेनॉल का निर्माण है वो किया जा सकता है और उनके द्वारा यूज है वो किया भी जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट के द्वारा एथेनॉल मिक्सिंग पॉलिसी भी बेसिकली यहाँ पे लाई गई थी। तो अभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है और भी जो और कंपनीज बोल सकते हो आप मार्केटिंग कंपनीज हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कंपनीज वो अभी भी अपनी मतलब काफ़ी इस दिशा में कदम है वो बढ़ा रही हैं। टारगेट ये रखा गया है बेसिकली नेशनल पॉलिसी के तहत कि 20% तक हमें एथेनॉल को मिक्स करना है पेट्रोल डीजल में। तो फायदा क्या है इसका वो भी हमने डिस्कस किया कि एक तो हमारी पेट्रोल डीजल के ऊपर जो निर्भरता है बाहर की कंट्रीज पे वो कम हो जाएगी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बायोफ्यूल को भी इस पर प्रमोट है वो किया जाएगा। तो काफ़ी सारे बेनिफिट हमें हो जाएंगे। ऑयल इम्पोर्ट है फ्यूल इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि देखो हम जानते हैं कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है पेट्रोल है वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल है और फॉसिल फ्यूल को जब भी हम जलाते हैं तो काफ़ी खतरनाक गैसें निकलती हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली खिड़की मस्जिद के बारे में। तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि खिड़की मस्जिद जो कि साउथ दिल्ली के अंदर स्थित है अभी इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कॉपर कॉइन है वो मिले हैं। मतलब वहाँ पे खुदाई वगैरह चल रही थी उसके तहत 254 कॉपर के कॉइन है वो आइडेंटिफाई वहाँ पे किए गए हैं। तो न्यूज में आ गई है तो हमें ये पता होना चाहिए पहली बात तो है कहाँ पे और किसके द्वारा बनाई गई थी। तो देखो जो खिड़की मस्जिद है वो बेसिकली बनाई गई थी 1851 से लेके 1888 के लगभग सॉरी 1388 के बीच में। मतलब 1851 से 1388 के बीच में इसका निर्माण है वो किया गया था। इसका निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था खान ए जहां जुआन शाह, इनके द्वारा बेसिकली इसका निर्माण है वो किया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज आई है कि तमिलनाडु है उसने भी ई सिगरेट को बैन है वो कर दिया है। तो हमें एक फैक्ट ये पता होना चाहिए कि देखो अभी काफी सारे स्टेट ने बेसिकली इसको बैन कर रखा है। जैसे पंजाब ने बैन कर रखा है, केरला ने कर रखा है, कर्नाटका ने बंद कर रखा है, मिजोरम ने, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी और बिहार ने। सबसे पहले ये स्टेप केरला ने उठाया था, उसके बाद धीरे धीरे बाकी के स्टेट ने भी इस कदम उठाना शुरू कर दिया था। तो यूपीएससी ऐसे तो नहीं पूछेगी कि भाई कौन कौन स्टेट वगैरह, बट ये ध्यान रखना है कि ई सिगरेट होती है इसमें जो निकोटिन होती है उसके लिक्विड फॉर्म को यूज किया जाता है। जैसे कि नॉर्मल ये मान लो कि सिगरेट है, इस सिगरेट में क्या होगा कि जो लिक्विड फॉर्म में निकोटिन है उसको डाल दिया जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे जलाया जाएगा तो जो वेपर निकलेगा धुआं निकलेगा उसकी हेल्प से स्मोकिंग वगैरह की जाती है। तो हो गया ये ध्यान रखना कि ई सिगरेट में यूज है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म ऑफ निकोटिन। इसी के साथ ही दो छोटी छोटी न्यूज और हैं। जैसे एक तो एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। देखो लोकसभा के अंदर एक एथिक्स कमेटी होती है उसके बारे में देख लेते हैं। अभी उसके अंदर आडवाणी है उनको चेयरमैन वापस से बनाया गया है। तो कुछ कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है, बस ये देख लेते हैं इस कमेटी के बारे में। देखो बेसिकली जो ये कमेटी है ये 2006 के टाइम पे बनाई गई थी एडहॉक कमेटी के तौर पे, बट इसके बाद क्या हुआ था 2015 में इसको परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी के तौर दर्जा वो दिया गया था। तो एक तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। इसका काम ही है कि जो भी लोकसभा के अंदर कुछ काम हो रहा है, कोई भी कंप्लेन वगैरह कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है, उनको यह देखना कि वो एथिकल है नहीं है, मतलब एथिकल तरीके से काम हो रहा नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक तरीके से गुंडा राज सा चल रहा हो वहाँ पे। तो उन सारी चीज़ों को फोकस करती है एथिक्स कमेटी। तो बस ये छोटी सी न्यूज़ थी ध्यान में रखनी। इसी के साथ ही एक अहम न्यूज़ थी वो थी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के बारे में, FDC ड्रग्स क्या होते हैं ये वो देख लेते हैं। देखो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स का मतलब ये है
एक ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर कुछ बहुत सारे जो आप बोल सकते हो कि कंटेंट होते हैं, जैसे कि कॉकटेल बोल सकते हो एक तरह की, मतलब कि कोई दवाई बनेगी उसमें क्या है कि थोड़ा सा किसी दूसरी चीज का मिश्रण ले लिया, थोड़ा सा किसी और चीज का, थोड़ा सा किसी और चीज का, कि चार पांच चीजों को मिक्सअप करके कोई मेडिसिन बनाएगी, ये वो हो गई है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, एक तरीके से कॉकटेल बोल सकते हैं। कॉकटेल का मतलब क्या होता है, मिक्सअप, मतलब तीन चार चीजें हैं, दो ड्रग्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, उनका मिक्सअप होता है। अब देखो उनको फिक्स रेशियो में बेसिकली मिलाया जाता है। तो अभी कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ने लगभग 328 जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं इनको बैन है वो कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखो बेसिकली ये काफी ज्यादा एक तो एक्टिव होते हैं और इनका क्या है कि हमारी बॉडी पे इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, और आजकल इनकी जो ये ड्रग्स है ना, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आप बोल सकते हो कि बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा फैलने लग गया है, और इसी के साथ ही जो नॉर्मल मेडिसिन होती है जिनको आप बोल सकते हो कि जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं काम कर पाती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस तैयार कर लेती हैं, क्योंकि काफी सारे ड्रग्स इसमें मिक्सअप हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस या बोल सकते हो कि सुपर बग का निर्माण कर लेती हैं और जिस पर दवाओं का असर नहीं होता है। तो बेसिकली तो जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं इनका निर्माण, जैसे वो खतरनाक बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, जैसे कि HIV हो गया हो, या फिर मलेरिया हो गया हो, या फिर TB वगैरह हो गया हो, इनके लिए इसका यूज है वो किया जाता है, बट कुछ लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि काफी खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, इसीलिए इनका यूज ज्यादा अलाउ नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ बैन किया है, तो ये वर्ड ध्यान रखना है कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन स्कीम है या वो जो ड्रग्स होते हैं सॉरी वो क्या आते हैं। ये है बेसिकली जो खिरगी मस्जिद, जो कि साउथ दिल्ली में स्थित है, खिरगी विलेज है वहीं पे स्थित है, तो इसमें अभी कोविन पाए गए हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है किसके द्वारा ये बनाई गई थी। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में उनके बारे में आप रिप्लाई जरूर दीजिए, और इसी के साथ ही जो PDF वगैरह है वो आपको फेसबुक का पेज है वहाँ पे आपको डेली मिल जाती है, वेलकम UPSC की साइट है वहाँ से भी आप PDF वगैरह को डाउनलोड है वो कर सकते हो, और भी कोई तरह के आपको सजेशन वगैरह कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए पूछ सकते हो। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।